नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नगर पुलिस प्रशासन उज्जैन द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम पर समस्त आईपीएस पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की कॉन्फ्रेंस हुई। कोरोना वायरस से 2400 घंटे संघर्ष करने वाले योद्धाओं में पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी निरंतर जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं। आयोजित कॉन्फ्रेंस उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक माननीय मनोज कुमार सिंह जी की अध्यक्षता और एडिशनल एसपी रूपेश जी द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी सोनकर, आकाश जी भूरिया, अंतर सिंह जी गणेश और अनेकों सीएसपी, डीएसपी, टीआईओ समस्त पुलिस बल उपस्थित थे। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर पूज्य राष्ट्रपति संत बालयोगी श्री उमेशनाथ जी महाराज ने मोटिवेशनल स्पीच के दौरान कहा कि धन बल, वृद्धि बल, जन बल और शास्त्र बल से कहीं ज्यादा मनुष्य में आत्मबल होना चाहिए। कहाँ उत्पन्न होंगे और कहाँ आपने अपनी पढ़ाई की होगी, लेकिन आप उज्जैन में आकर के बाबा महाकाल की नगरी में सेवा दे रहे हैं। हमारा राष्ट्र जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, सनातन धर्म की परंपरा है और हम सब ऋषि जन ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी भावना ये है कि सब लोग सुखी हैं और हमारी जिज्ञासा भी ये है कि पूरा देश सुखी है, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। उससे बढ़कर के हमारे वेदों की ऋचा ये बोलती है कि वसुधैव कुटुम्बकम्, जब पूरा विश्व अपना कुटुम्ब है, परिवार है, तो हम सब लोगों की सेवा करें और सेवा के साथ साथ मदद करें। एक समय ये था कि समाज के कुछ कतिपय नागरिक ये सोचते थे कि पुलिस वाला हमको कहीं किसी क्षेत्र में फंसाता दे, लेकिन आज उस परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हुई है कि समस्त पुलिस का कर्मचारी रोड पर खड़ा होकर के उसको जीवन से मुक्त कराने के लिए खड़ा है कि तुम कहीं इस बीमारी की चपेट में ना आ जाओ, तुम कहीं मरने जैसी स्थिति में ना पहुंच जाओ। तो ये पुलिस बल साथ में नर्स और डॉक्टर और उसके साथ में सफाई कर्मचारी बल, ये समस्त तीनों दल जिनको आज पूरा देश योद्धा के नाम से संबोधित कर रहा है, उन योद्धाओं ने पूरे देश के समस्त बंधुओं के लिए, समस्त जीवों के लिए, मैं तो कहूंगा कि चराचर जगत के लिए उन लोगों के मन में भाव है दी से अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ करके, और वो पूरा परिवार रोड पर था।